हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया हो सारे? ये ना मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कलियां जो है फिर से बताओ आप बनानी। तो जो कली है मैं आपको फिर बताती हूँ बनानी। ये देखो, ये वन स्ट्रोक पेंटिंग वाली कली बता रही हूँ आज एक बार। तो ये कोई बुजुर्ग लेडीज का जो है ना सूट बनना आया था मेरे पास, तो मैं पहले आपको बताया ये एक बार उसमें डिप करती हूँ मैं कलर, और जो है एक बार ये देखो ऐसे करके। ओके, बिल्कुल इजी है ना? ये देखो, ऐसे किया और फिर थोड़ा सा मैंने अपना थोड़ा सा, देखो ये मैंने लिया हुआ है पिंक और व्हाइट। अब मैं थोड़ा व्हाइट में डिप करूंगी क्योंकि पिंक ऑलरेडी उसके अंदर काफी कलर है, इसलिए मैं पिंक में नहीं करूंगी। तो ये देखो ऐसे कितना सिंपल है। और ये मेरा न्यू ब्रश है आज, और इससे जो है ना इससे काफी बढ़िया हो रहा है नई नई से। ये देखो जैसे इस पोर्शन में 3 बन गए ना, और ये इस पोर्शन में ये 3 बन गए। अब ठीक है, अब इसको उल्टे बनाने हैं। उल्टा कैसे बनाना है देखो, ऐसे किया ठीक है, ये ऐसे किया। अब दोबारा देखो, आप पहले व्हाइट और रेड में डिप कर लिया, और ये देखो पहले ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे सी बना लिया ठीक है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ ले आए। बिल्कुल इजी है। एक बार और देखो, ये ऐसे और फिर अब ये इतना बन गया ठीक है। अब मैं इसी को ना पूरे पूरे ही पूरे के पूरे पिंक में डुबो डुबो कर, और इसके ये मैंने ऐसे स्केल से ना लाइन लगाई हुई है, और ये ब्रश से ऐसे नीचे की डायरेक्शन में ऐसे ला रही हूँ ठीक है। हल्का सा व्हाइट में डिप करूंगी और ज्यादा पिंक में। और ये देखो ये जो लाइन के साथ साथ ये जो है ना एक बॉर्डर तैयार हो जाएगा। ये देखो अभी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन लग रही है देखने में, क्योंकि ये अड्डे पे लगा है लाइन, तो मैंने स्केल से बिल्कुल जो है सारी नाप के पहले से लगाई है, लेकिन वो जब ये अड्डे से उतर जाएगा ना तब सही हो जाएगा। ये मैंने 1.5 इंच की एक स्केल जो है ना मेरा 1.5 इंच का होता है, तो मतलब थोड़ा सा व्हाइट लेना है, कहीं व्हाइट लेना है कहीं नहीं लेना। ऐसे बाय चांस कोई ब्रश जल्दी में आपसे लाइन से ऊपर चला जाता है तो सभी लाइन को हल्का हल्का वैसे ही वो ऊपर कर दो, और कहीं आपसे व्हाइट ज्यादा लग जाता है तो उसके ऊपर ये देखो जैसे इधर व्हाइट ज्यादा लग गया, तो एक बार जो है ना सिंपल ब्रश और उसके ऊपर चला दो ठीक है। कहीं पर व्हाइट ना लो, कहीं थोड़ा सा ले लो, ऐसे एक जो है ना बॉर्डर का डिजाइन सा बन जाएगा। अब ये सारा फटाफट मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ, और फिर क्योंकि ब्रश को मैं पानी में, और इस ब्रश को ना धोना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि नया का नया ब्रश इतने कॉस्टली फिर ये ब्रश आते हैं, और कलर की वजह से ये फिर खराब हो जाते हैं, दो मुहे हो जाते हैं, चलते ही नहीं है। इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल के जो है ना धोना पड़ता है। ये देखो अब ये लगभग जो है खत्म हो चुका है ठीक है। और एक एक मैं इधर एक्स्ट्रा तो कर रही हूं, अगर इंसान मोटा हो जाए तो खोलना पड़े तो ठीक है ना। अब जो है ना ये इतना हो गया, और कलियां तो आपको वैसे आती हैं, शॉर्टकट में थोड़ी सी बता देती हूँ। चलो मैं आपको, ये ना ब्लैक कलर लिया मैंने, मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया, और ना इसके अंदर ये जो ये है ना इसके अंदर ऐसे फिल कर दिया। ये देखो अंदर वाली साइड ना ऐसे फिल कर देंगे ठीक है। अब इसके गीले गीले में ही ना, अब दूसरे वाला ब्रश लूंगी मैं, और गीले गीले में ही ना येलो कलर लेंगे, और उसको ना ऐसे मतलब टच ब्लैक में ना ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे
हल्का हल्का टच करना है, ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर ये येलो कलर ब्लैक ही हो जाएगा। ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट टच करके ना ऐसे ब्लैक के ऊपर प्रेस ऐसे कर दो। ये देखो इससे ना ये बहुत सुंदर ऐसे बीड्स सी अच्छी लगेंगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जल्दी जल्दी कली भी बता देती हूँ। ठीक है, अभी ये जो ये बनाया ना ये इसको मैं इक्वल करके ना यहाँ पे छोटा सा डिजाइनिंग भी कर दूंगी ऐसे। एक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, यहाँ सेंटर में बता देती हूँ। चलो ऐसे करके ना देखो पतला पतला ये ऐसे लाइन खींच के, ये चल ही नहीं रहा ब्रश, पता नहीं क्या हो गया इसको। ऐसे कहीं कहीं ऐसे ऐसे मैं बना के ना ऐसे लाइनें सी, और फिर येलो कलर से ये देखो ऐसे से कर दूंगी ऐसे। बहुत सुंदर बॉर्डर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप क्लोजअप। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बस वो कली की वो जो पत्तियां हैं वो बता देती हूँ। ये मैं बता तो बहुत बार चुकी हूँ। अब मैंने ना येलो और ग्रीन दोनों में डिप किया है ब्रश, और येलो और ग्रीन डबल शेड आएंगी। कभी खाली ग्रीन में कर लूंगी, कभी खाली येलो में कर लूंगी। उससे क्या है ना अलग अलग तरह का जो कलर आएगा ना इसमें वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, है ना। ये देखो, अगर कोई कली आपसे थोड़ी मोटी बन गई है तो उसके ऊपर ही ये सारी ये कर दो, उससे पतली हो जाए। अगर जो कोई पतली हो गई उसको थोड़ी ये दूर से कर दो कि वो चौड़ी का आभास हो। मतलब अपने माइंड से ना ऐसे थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो फिर ये लीव्स है उसी तरह से ये यहाँ पर ऐसे जो है लीव्स बना के, ये मैंने ना किसी का भी देखा नहीं है डिजाइन, अपने माइंड से ही बनाया है। और एक मैंने 80 साल की लेडीज है ना वो भी देखो पेंट करके सूट पहनते हैं, उनका बनाया था मैंने तब, ये बहुत पहले जब इसकी वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डालती थी। तो आज सेम वही डिजाइन मैं अब काफी एज बुजुर्ग के लिए डाल रही हूँ। तो सेकंड टाइम ये मैंने ऐसी मन से ही ऐसे ऐसे बॉर्डर बना दिया, और वो ऊपर ऐसे छोटी छोटी बूटियां बना दी। ये देखो ठीक है ना। अब ऐसे इसको जितना ऐसे धीरे 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 डेकोरेट करती रहूंगी, है ना। ओके ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और बाय बाय।